हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z5 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्मार्ट आंसर सेटिंग को अपने यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्मार्ट आंसर सेटिंग जो है कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आपके वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा स्मार्ट मोशन का, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट कॉलिंग का, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा स्मार्ट आंसर का। स्मार्ट आंसर इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को आपको टैप करना है तो ये बटन आपका ब्लू कलर में ऑन हो जाएगा इस तरीके से। अब ये स्मार्ट आंसर सेटिंग जो है ऑन होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन पर कभी भी इनकमिंग कॉल आएगा ना, कभी भी कॉल आएगा तो जो ग्रीन कलर का बटन होता है स्क्रीन के ऊपर, रिसीव एक्सेप्ट या पिकअप लिखा होता है, उस बटन को, ग्रीन कलर के बटन को आपको दबाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको करना क्या है, जब भी कभी कॉल आएगा ना तो आपको अपने फोन को हाथ में पकड़ना है और अपने फोन को अपने कान के पास लेके जाना है। इससे क्या होगा, आपकी जो इनकमिंग कॉल है वो ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है आपकी स्मार्ट आंसर सेटिंग ऑन करने के बाद। अब मैं आपको जो है ना ये स्मार्ट आंसर सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का आपको सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कीजिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है स्मार्ट आंसर, ठीक है। आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा स्मार्ट आंसर का। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे शो हो जाता है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग में आपको लेकर आ जाएगा और इसे हाईलाइट करेगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।